मिस्यू के अलावा अभी कुछ बोल भी नहीं सकता और मैं। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 7 o'clock ऑन द मॉर्निंग ऑफ 13th of November 2020। आज दिवाली का पहला दिन है, धनतेरस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश ऑल अ हैप्पी दिवाली। वेल, एज यू हैव रेड ऑलरेडी इन द टाइटल एंड थंबनेल, दिस इज़ द लास्ट व्लॉग। इसके बाद व्लॉग शूट नहीं होगा, अनफॉर्चुनेट, बट यस दैट्स ट्रू। एक्चुअली आई डोंट हैव एनी इक्विपमेंट्स, ये वर्क ट्रिप है। आई एम राइट नाउ समवेयर अराउंड सोलापुर। काम के लिए आया था, काम करके वापस घर निकल जाना था, तो कुछ भी मैंने लाया नहीं है, ना ट्राईपॉड, ना माइक, ना गोप्रो, नथिंग। बट पिछले दो दिनों में ऐसा कुछ सिचुएशन बन के आया है, सम थिंग्स हैव पॉप्ड अप कि ये सब डिसीजन सडनली लेना पड़ रहा है। एंड बीइंग अ फैमिली, आई वांट यू ऑल टू नो दिस बिकॉज इट्स अ बिग डील, इट मीन्स अ लॉट टू अस, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट। तो आपसे सब कुछ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, एंड दैट्स द ओनली रीज़न आई एम शूटिंग दिस व्लॉग ओनली विद माई मोबाइल। वेल, थ्रू आउट दिस राइड, राइट नाउ आई एम गोइंग टूवर्ड्स होम। अभी 300-350 किलोमीटर का राइड है अपना घर तक का। तो थ्रू आउट दिस राइड आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस डिसीजन। अभी फ़िलहाल ऐसा है ना कि मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ तो कुछ बोलने के लिए सूझ नहीं रहा है। ऑल आई कैन से इज़ विल मिस यू। उसके अलावा कुछ लफ्ज़ ही नहीं सूझ रहे इस बारे में बोलने के लिए। सो यस, थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके आपको सब कुछ बताऊँगा मैं कि क्यों ऐसा डिसीजन ले रहा पड़ रहा है। वेल, आई सेड विल मिस यू, लेकिन ये डिसीजन अभी तक प्रियंका को भी पता नहीं है, उसको भी बताया नहीं है। उसके बारे में बताऊंगा कि उसको क्यों नहीं बताया, एंड व्हाट ऑल इज़ गोइंग ऑन। ये सब इट्स स्ट्रेंज, इट्स एवरीथिंग इज़ हैपनिंग सो सडनली ना कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस बार को रिएक्ट करें। बट देयर इज़ वन थिंग आई हैव टोल्ड माई सेल्फ कि आज का ये आखिरी व्लॉग है, तो दिन भर हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है। सो राइड आज की एंजॉय करनी है, ऐसा मूड ऑफ करके राइड नहीं करना है। सो यस, लेट्स हैव अ गुड डे। एज आई सेड, प्रियंका को अभी तक कुछ भी पता नहीं है इस बारे में, प्रियंका को बताया नहीं है। एक्चुअली द रीज़न इज चेज इन सातारा, उसके घर गई हुई है, तो ऑलमोस्ट 9-10 महीने के बाद पूरा लॉकडाउन वगैरह सब, शी कुडंट गो होम। तो 9-10 महीने के बाद घर गई है, तो वहाँ पे मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, शी इज़ हैविंग हर मोमेंट्स। तो ठीक है, बता देंगे। बाय द टाइम यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, शी इज़ बैक होम, और ऑलरेडी मैंने उसको बता दिया है डिसीजन। शायद इसके ऊपर हमारा झगड़ा भी हो चुका है, जो भी है वो आपको अभी कैसे पता चलेगा पता नहीं है। बट आई एम श्योर अगर वो यहाँ पे अभी होती भी ना, तो उसका भी रिएक्शन सेम ही होता, शी वुड हैव ऑल्सो बीन इमोशनल, क्योंकि ये मोमेंट ही ऐसा है। आई मीन, वेल, बाय द वे, उत्तराखंड सीरीज जो अभी अपने चैनल पे चल रहा है, आई होप यू गाइज आर फॉलोइंग दैट। तो अभी 29th को, मतलब कमिंग संडे को, केदारनाथ यात्रा का, केदारनाथ ट्रेक का व्लॉग आने वाला है। तो आई एम नॉट सेइंग कि भले ये लास्ट व्लॉग है, मैंने बोल दिया, लेकिन दिस इज़ द लास्ट व्लॉग दैट आई एम शूटिंग। ये उत्तराखंड सीरीज जो है, ये डोमिनार पे जो हमने राइड किया था पिछले महीने अक्टूबर में, इसका सीरीज़ तो हर संडे आता रहेगा जब तक ये पूरा सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम वापस घर नहीं पहुंच जाते, मतलब चैनल पे, तब तक हर संडे के व्लॉग्स एज यूजुअल आते रहेंगे। बट दिस इज़ द लास्ट व्लॉग दैट आई एम शूटिंग, आई वॉन्टेड टू से इट्स नॉट दैट इट इज़ द लास्ट व्लॉग ऑन द चैनल। ये उत्तराखंड सीरीज़ तो हम कम्प्लीट करेंगे, उसके आगे चैनल का फ्यूचर क्या है अभी मैं उसके बारे में फ़िलहाल तो अभी कुछ बता नहीं सकता। आई डोंट नो कब बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेट्स सी, फ़िलहाल तो ना भूख लग रही है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं थोड़ा सा, फिर आगे निकलते हैं, आगे राइड करते हैं। पुणे से पहले रुकेंगे, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। अभी आज गोप्रो भी नहीं है मेरे पास, गोप्रो भी घर पर छोड़ के आया, तो मोटो व्लॉग भी नहीं कर सकता, हेलमेट में से भी आपसे बातें नहीं कर सकता। आई मीन, आई एम रिस्ट्रिक्टेड टू फ़ोन ओनली। Thank you.
feel strange to say, but I'm actually enjoying this ride more than my regular rides to Solapur. And I'm enjoying so much so that I totally forgot that I was going to stay in Pune first. बिग वन से ब्रेकफास्ट करके जो निकला हूँ ना, उसके बाद डायरेक्टली अभी यहाँ पे पुणे क्रॉस करके रुका हूँ. हमेशा पुणे सिटी का ट्रैफिक लिटरली मुझे फ्रस्ट्रेट करता है, बोर करता है. टुडे आई वाज एंजॉयिंग द ट्रैफिक आल्सो. आई वाज सिंगिंग सॉन्ग्स, आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, थिंकिंग अबाउट ऑल द मेमोरीज दैट वी हैव मेड टुगेदर, ऑल द राइड, सारे मोमेंट्स, सारे एक्सपीरियंसेस. एंड बिफोर आई न्यू आई वॉज एक्चुअली एंजॉयिंग दिस राइड. You know, this actually reminds me of that line from a movie, I think जब भी मैट में ये लाइन था कि जब किसी चीज़ को आप एकदम दिल से चाहते हो ना, एकदम एक्चुअल में, तो आपके साथ वही होता है. वी शुड गिव इट अ ट्राई मोर ऑफन. क्योंकि एक्चुअली दो दिन से मैं थोड़ा सा डाउन था, मायूस फील कर रहा था. लेकिन इवन यू सॉ सुबह जब मैंने कैमरा को फेस करना चालू किया, शूट करना चालू किया, आई वॉज फीलिंग इमोशनल. बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार देख, तूने डिसाइड किया है भाई ये राइड एंजॉय करना है, आज का दिन हैप्पी रहना है, बस रहना है, कुछ भी करो. एंड वंस आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट, बाकी सब नेगेटिव चीज़ें निकल गई दिमाग से. एंड आई स्टार्टेड एक्चुअली एंजॉयिंग द राइड. फील स्ट्रेंज टू से, मतलब आई एम शूटिंग दिस लास्ट व्लॉग एंड आई एम एंजॉयिंग इट. या वेल, द टाइम राइट नाउ इज 12:15 इन द नून. और अपना घर अभी यहाँ से 90 किलोमीटर्स बाकी है. तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ब्रेक इट हाफ वे. एग्जैक्टली 40 और किलोमीटर्स में अभी खंडाला घाट आ जाएगा. तो खंडाला घाट में कहीं एकदम ऐसा सीनिक या शांति से भरा ही, ऐसे गाड़ियों का आवाज़ नहीं आएगा, ऐसी जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे बैठ के फिर आपको सारा जो सीन है ना वो पूरा एकदम विस्तार से बताता हूँ. लेकिन सब कुछ एक चाय के बाद. एक कविता सुस्ती है, टेंशन क्यों ना, चांगली बोलू इरशाद. एक आखिरी चाय जब संग है तीन यार, आप, मैं और डोमिनार. आई नो इट्स फालतू. ओके गाइज, इट्स फाइनली टाइम टू रिवील एवरीथिंग कि क्या हुआ है, क्यों ये सब मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज आर लास्ट व्लॉग. और ये दुख की बात है, फिर भी मैं इतना स्माइलिंग हैप्पी कैसे लग रहा हूँ, कैसे खुद को रख पा रहा हूँ. So the reason is that I'm actually happy, I'm actually excited, I'm actually enjoying this moment. Because, don't worry, मैंने आपसे सुबह से कुछ भी झूठ नहीं बोला है, जो भी बोला है सब सच बोला है. The only thing is that जो भी मैंने बोला है ना वो आपको नहीं बोला है, किसी और को बोला है. अभी बस हो गया ना सस्पेंस. वेल, दिस इज़ आर लास्ट व्लॉग, बट दिस इज़ आर लास्ट व्लॉग विद दिस बाइक डोमिनार 400, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपग्रेड द बाइक. अगले सफर से अपने पास नई बाइक होगी, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक. वेल, अभी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं नहीं देने वाला हूँ. बाय द वे, दिस इज़ द रीज़न कि प्रियंका को भी अभी तक मैंने इस बारे में कुछ बताया नहीं है, बिकॉज ये सरप्राइज़ है सबके लिए. मम्मी पापा को किसी को पता नहीं है, प्रियंका को पता नहीं है. देयर आर ओनली 3 पीपल जिनको पता है इस बाइक के बारे में, नई बाइक का जो चल रहा है जुगाड़ उसके बारे में. हेरम, हिमांशु और ऐश्वर्या, बस ये तीन लोगों को मालूम है. बाय द वे, दिस ब्लॉग विल बी पब्लिश्ड ऑन 26th of November, विच इज़ माई बर्थडे, ऑल्सो मेरी और प्रियंका की वेडिंग एनिवर्सरी. और इसी दिन, आज के दिन ये ब्लॉग शाम को 6 बजे जब पब्लिश हो रहा है ना, उससे पहले हम बाइक की डिलीवरी ले चुके हैं. सो इट्स अ ट्रिपल बोनांजा. कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख सकते हो, हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हो और हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी भी लिख सकते हो. अब आप डिसाइड करो कौन सा कमेंट करना है, लेकिन एक कमेंट तो ज़रूर करो, क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तीन ओकेजन्स एक साथ. वेल, अब ये बाइक कौन सी है, ये अचानक से बाइक लेने का डिसीजन क्यों लिया, फिर किसी को बिना बताए ऐसे क्यों सब कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी अगले व्लॉग में. बिकॉज अगले व्लॉग में, मतलब आज के एक्चुअल आज के दिन 26 नवंबर को, किस तरह से मैं फैमिली को सरप्राइज़ में रख के बाइक की डिलीवरी लेने के लिए लेके जा सकता हूँ, हाउ आई एम प्लानिंग ऑल दिस, और डिलीवरी लेते वक्त बाइक देखने के बाद मम्मी पापा का रिएक्शन क्या है, प्रियंका के एक्सप्रेशंस क्या है, ये सब आपको अगले व्लॉग में पता चल जाएगा. बट व्हेन आई से अगला व्लॉग, इट डजंट मीन कि 29th को संडे को जो केदारनाथ यात्रा का एक्चुअल केदारनाथ ट्रैक का व्लॉग आने वाला है, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट दैट. केदारनाथ सीरीज हर संडे जैसी चल रही है वैसे की वैसी चलती रहेगी. बाय द वे, संडे का व्लॉग जरूर देखना, बिकॉज केदारनाथ ट्रैक इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. आपने अगर नहीं किया है ट्रैक तो जरूर हमारे साथ एक्सपीरियंस करो, अगर किया है तो वो मोमेंट्स रिलीव करो. अगर पूरी सीरीज उत्तराखंड की देखी नहीं है तो वो भी देखो, शुरू से जाके, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी दे
दूंगा शायद, है ऑलरेडी दिया हुआ। सो अबाउट दिस व्लॉग, बाइक की डिलीवरी का जो व्लॉग है, ये मैं अगले हफ्ते में कभी भी डाल दूंगा, जब वो व्लॉग रेडी हो जाएगा तब मैं डाल दूंगा। सो उसके लिए आपको एक ही करना पड़ेगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशंस अगर ऑन नहीं किए तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दो, तभी आपको पता चलेगा जैसे ही मैं व्लॉग पब्लिश करता हूँ। सो काउंटिंग किलोमीटर्स की जर्नी ख़त्म नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ से आगे एक स्टेप और भी ऊंचाई पे जाने वाली है नई बाइक के साथ। वेल, वॉट एवर आई सेड सिंस द मॉर्निंग, इट वॉज नॉट फॉर यू, इट वॉज फॉर द बाइक। येस, वी आर गोइंग टू मिस दिस बाइक। 90,000 किलोमीटर्स इन 3.5 years, बहुत लंबी जर्नी होती है। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज, अ लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स। आई मीन जो एक्सपीरियंसेस इस बाइक ने दिया है ना, जो राइडिंग एक्सपीरियंस, जो कंफर्ट इस बाइक ने दिया है ना, वो शायद मैच नहीं कर पाऊंगा। मैं अगली नई बाइक के बारे में तो बता नहीं सकता, लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं मिला था। एंड आई एम श्योर प्रियंका अगर यहाँ पे होती तो वो भी ये बोलती कि ये बाइक को ज़रूर मिस करेंगे, हम हमेशा मिस करेंगे। एंड सो एज आई सेड, जो भी सुबह से बोला ना वो सब सच था, लेकिन वो आपके लिए नहीं था, वो इस बाइक के लिए था। बाय द वे, अब यहाँ से आगे का सफ़र नई बाइक पे, नए एक्सपीरियंसेस चालू होंगे, लेकिन नई बाइक रिवील करने का जो अगला व्लॉग आएगा ना, वो अगले हफ्ते आएगा। तब तक कीप थिंकिंग, कीप गेसिंग, और अगर गेस करते हो ना तो इंस्टाग्राम पे जाके DM कर दो या इसी वीडियो पे कमेंट कर दो कि आपको क्या लगता है कौन सी बाइक है नई, देखेंगे किसका जवाब सही निकलता है। और हाँ, संडे को केदारनाथ वाला व्लॉग देखना मत भूलना। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।